अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है ये रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। देर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, वन इन विच के कार्बोक्सिल ग्रुप इज अफेक्टेड एंड वन इन विच के अमीनो ग्रुप इज अफेक्टेड। तो फर्स्ट रिएक्शन एस्टरीफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन है। अमीनो एसिड फॉर्म अमीनो एस्टर्स व्हेन मिक्स्ड विद के अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एस्टर पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है, हम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में को हम अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, इसमें हम अमाइनो एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्सअप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देख ले मैंने क्या अमाइनो क्या ये एसिड लिखा है, उससे क्या अल्कोहल जनरल फार्मूला है उसमें डाला है, और क्या उसमें ये मैंने डालकर जो है एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड उसे हीट अप किया है। हीट अप करने से क्या है ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है का OH और क्या अल्कोहल का एसिड प्लेस होता है और क्या अमीनो एस्टर्स बन जाते हैं अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दूसरा रिएक्शन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला HNO2 होता है। कैसे बनता है, सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और जो है सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड बनता है। अमाइनो एसिड रिएक्ट क्या है विद क्या नाइट्रस एसिड HNO2 टू प्रोड्यूस अल्फा हाइड्रोक्सी के कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रस एसिड इन टर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड अलोंग विद फॉर्मेशन अलोंग विद क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट हैपन, सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से क्या मैंने क्या एक जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का लिखा है RCHNH2COOH और क्या प्लस जो है नाइट्रस एसिड। कैसे बनता है, सोडियम नाइट्राइड और HCl रिएक्ट करते हैं, ये नाइट्रस एसिड बनता है। तो क्या है? ये क्या है हमारे पास है ये NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से क्या है ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाते हैं अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकल जाती है विद वाटर। इस तरह से क्या अगर मैं क्या है यहां पर है ये CH3 लगा दूं तो ये क्या एलानीन है, एलानीन ये अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड है। तो इस तरह से क्या है व्हेन क्या एलानीन इज मिक्स्ड विद क्या नाइट्रस एसिड तो व्हाट हैपन क्या है, तो ये जो है फिर मैं आप जो है उसमें CH3 लगा दो ये भी CH3 कर देता हूं तो इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो हम इससे लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है आप जो है एलानीन क्या है अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद क्या है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड इन टर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से क्या है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए निनहाइड्रिन टेस्ट है। निनहाइड्रिन रिएक्ट विद के अमीनो एसिड टू फॉर्म इंटेंस ब्लू वायलेट कलर। तो अगर अमीनो एसिड के अंदर जो निनहाइड्रिन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होता है डाल दें तो क्या है ये ब्लू वायलेट कलर, गहरा ब्लू वायलेट कलर बन जाता है। निनहाइड्रिन इज ऑल्सो यूज टू विजुअलाइज देखने के लिए अमीनो एसिड क्या है सेपरेटेड बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए क्या है हम क्या है अमीनो एसिड को सेपरेट करते हैं, नजर नहीं आते तो हम इसको जो है लोकेटिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हुए हम उन्हें देख सकते हैं, विजुअलाइज देख सकते हैं। इट इज यूज्ड एज लोकेटिंग एजेंट, तलाश करने वाले देखने वाले एजेंट बोथ इन क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए क्या है अगर क्या है हम सेपरेशन करते हैं किसी चीज की तो उसमें लेके लोकेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम सेपरेशन को करते हैं तो हम इसके जरिए हम क्या है इसको देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या है मेरा ये चैनल जो है इख्तिताम को पहुंचा, मेरा ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। आप मेरे इस चैनल को क्या है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं।